हेलो फ्रेंड्स, आज ही सब्सक्राइब करें ऑनलाइन गुरुजी चैनल को। हेलो एवरीवन, आपका ऑनलाइन गुरुजी में स्वागत है। दोस्तों, सरकारी रिजल्ट की नोटिफिकेशन आप चाहते हैं सबसे पहले, तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसमें मैं आपको सरकारी रिजल्ट में जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे, आपके काम की चीज़ होंगे, मैं ज़रूर इसको नोटिफिकेशन दूंगा। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन बिना किसी दिक्कत के आपके पास आए, तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके जस्ट बगल में बेल आइकन का वो सिंबल बना होगा, तो प्लीज़ उसे एक बार प्रेस जरूर कर लें, जिससे मेरी जितनी भी बनाई हुई वीडियो है आपके पास सबसे पहले, ठीक है, इसकी नोटिस आपके पास पहुंच जाएगी। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं अब आगे, ठीक है। तो आपको कुछ करना नहीं है, पहले आप गूगल का पेज खोल लेंगे, गूगल का खोल लेंगे, क्रोम का खोल लेंगे, जो भी मतलब फर्स्ट पेज खोल लेंगे, उसके बाद फिर आप टाइप करेंगे सरकारी रिजल्ट, ठीक है। जैसे आप टाइप करेंगे तो आपको दिख रहा होगा सरकारी रिजल्ट, उसे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो सरकारी रिजल्ट का पहला पेज खुल जाएगा, जिसमें आपको पहला स्टार्टिंग में ही देखिए लिखा हुआ है सरकारी रिजल्ट.com, सरकारी रिजल्ट लेटेस्ट ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है। तो इस पर आप कुछ करना नहीं है, पहला क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद सरकारी रिजल्ट का पेज खुल जाएगा, ये पेज पर स्टार्ट हो गया। साफ साफ आप देख सकते हैं सरकारी रिजल्ट लिखा हुआ है, और ये देखिए जितने भी फॉर्म आए हुए हैं यहाँ पे, देखिए रिजल्ट लिखा हुआ है, यानी जितने भी आपके सरकारी रिजल्ट आएंगे वो लिखा हुआ है। एडमिट कार्ड अगर चाहते हैं तो एडमिट कार्ड भी निकाल सकते हैं। लेटेस्ट जॉब चाहते हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, तो यहाँ पर आप देख साफ साफ देख सकते हैं लेटेस्ट जॉब, क्योंकि मैंने इस पर थोड़ा डार्क करने की किया है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। कर्सर आप देख सकते हैं, फिर जिस चीज़ के लिए मैंने अप्लाई फॉर्म के लिए कहा है वो है इंडियन आर्मी रिलीजियस टीचर ऑनलाइन फॉर्म, यानी धार्मिक फॉर्म, जो इंडियन आर्मी में जो पंडित हुए, ठीक है जी, मतलब जो भी पादरी हुए, इन सबके फॉर्म आए हुए हैं। तो जो भी इस वीडियो में इंटरेस्टेड है, जो भी जिसके काम का ये फॉर्म है, तो ये सिर्फ वही लोग इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। बाकी लोग यहाँ से कटना छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं, लेकिन जो लोग इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो प्लीज़ ये जरूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं, पहले यहाँ पे देखें इंडियन आर्मी रिलीजियस टीचर ऑनलाइन फॉर्म, तो इसे क्लिक करते हैं हम लोग। जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो पहला फॉर्म खुल जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन आर्मी रिलीजियस टीचर ऑनलाइन फॉर्म। देखिए पोस्ट 6 अक्टूबर 2018 को हुआ है, 3:54 का, यानी शाम को हुआ है, ठीक है। आज 6 अक्टूबर भी है, 6 अक्टूबर है, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट डेट पे चलते हैं, पहला स्टार्टिंग करते हैं इंपॉर्टेंट डेट से। इंपॉर्टेंट डेट से एप्लीकेशन देंगे, प्रारंभ हो रहा है कब से, 5/10/18 से हो रहा है। लास्ट डेट एप्लीकेशन ऑनलाइन का कब है, 3/10/18 को है, शाम को 5 बजे तक ये खुला रहेगा, ठीक है। उसके बाद नहीं, लास्ट डेट कम्प्लीट फॉर्म करने का भी यही है, 3/11/2018 को है। एग्जाम डेट भी इसमें दे दिया हुआ है, अगर एग्जाम अब जो लोग फॉर्म भरते हैं, अगर एग्जाम डेट यहाँ पे है 24/2019 यानी फरवरी में 2019 को होगा, और एडमिट कार्ड भी फरवरी में 2019 को आएगा, यहाँ साफ साफ नीचे लिखा हुआ है। और इससे बड़ी खुशी की बात यह है कि इसमें कोई भी पैसे पे करने की जरूरत नहीं है, कि अगर जनरल हो चाहे ओबीसी हो चाहे SC ST हो, सबके लिए ये फॉर्म जो है फ्री है, इसमें एक भी रुपया नहीं देख रहे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 रुपया लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ साफ साफ दिख रहा है यहाँ 0 रुपया लिखा हुआ है। तो जो भी लोग इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो जल्द से जल्द भर लें, क्योंकि कोई भी पेमेंट नहीं है। हाँ, अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पोस्ट नेम लिखा हुआ, देखिए पंडित लिखा हुआ, 78 पंडित चाहिए आर्मी को ओनली, या हिंदू मेल कैंडिडेट होना चाहिए। अब पंडित भरना है तो इसमें हिंदू मेल होना चाहिए, पंडित के लिए होनी चाहिए बैचलर डिग्री इन संस्कृत आर्ट और विथ संस्कृत होना चाहिए, क्योंकि भाई पंडित का है तो संस्कृत आना जरूरी होता है इसमें, ठीक है। और फिर ज़्यादा आगे चलते हैं, फिर ग्रंथी के लिए चाहिए, इसमें आपको पंजाबी आना चाहिए, जो ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, बैचलर डिग्री इन पंजाबी, देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। फिर पादरी की बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर इसका इनका भी लिखा हुआ है, ठीक है। क्रिश्चियन में देखिए जिस जिस धर्म का इसमें वैकेंसी है उसी धर्म का होना चाहिए, क्योंकि ये देखिए रिलीजियस पोस्ट है, ये पंडित हैं तो हिंदू होना चाहिए,
ठीक है, ग्रंथी हैं तो पंजाबी होना चाहिए, पादरी हैं तो क्रिश्चियन होना चाहिए, मौलवी हैं तो मुसलमान होना चाहिए, ठीक है, पंडित गोरखा हैं तो उसके लिए भी हिंदू गोरखा होना चाहिए, मेल कैंडिडेट चाहिए, ठीक है, मौलवी हैं तो आपको मालूमी है, ठीक है, तो ये सारे पोस्टें हैं, आप लोग चाहें तो इसको वीडियो को 2 मिनट रुक के इसको पढ़ सकते हैं, तो मैं आगे बढ़ता हूँ ज़्यादा इसमें समय ना लेते हुए, ठीक है। आप अब आते हैं फॉर्म पे, देखिए अगर जो लोग इस फॉर्म को भरना चाहते हैं इस चीज़ को बहुत ध्यान देखेंगे, अप्लाई ऑनलाइन लिखा है, एक रजिस्ट्रेशन लिखा है, एक लॉगिन लिखा हुआ है, तो आप लोग लॉगिन पहले नहीं करेंगे, पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद ही लॉगिन करके आप फॉर्म खोल सकते हैं। चलिए तो रजिस्ट्रेशन करते हैं। देखिए निर्देश दिए हुए हैं, इस निर्देश को आप हिंदी में भी दिए हुए, इंग्लिश में भी दिए हुए हैं, ठीक है, आप अगर पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं और सब, ठीक है, मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, यहाँ देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ क्लिक कर देते हैं तो फॉर्म स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले तो देखिए पर्सनल डिटेल मांगा गया है जिसमें राज्य पूछा गया है, ठीक है, आप कोई भी राज्य चुन सकते हैं, आप जिस जिस राज्य के हों वो राज्य चुनिए, ठीक है, मेरे पास कौन सा क्या है, आधार कार्ड है आपके पास, आधार कार्ड नंबर डालिए, ठीक है, अभ्यर्थी का नाम देखिए यहाँ पे, देखिए अभ्यर्थी का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, अभ्यर्थी का नाम यहाँ नाम लिख सकते हैं, फिर आपके फादर का नाम पड़ेगा, फिर माता का नाम, जन्म तिथि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो डाल दीजिएगा, देखिए इसी तरह होगा, डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए कुछ करना नहीं है, आपका मंथ है तो यहाँ से क्लिक कर दीजिए, जुलाई है तो जुलाई कर दीजिए, जिस सन में है उस सन का ले जाके कर्सिव को क्लिक कर दीजिए, इस तरह से आप डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं, ईमेल आईडी लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे आप मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, उसके बाद सब काम करने के बाद यहाँ देखिए सबमिट का फॉर्म है, आप ऐसे थोड़ा सा क्लिक करने वाला बॉक्स है उस पर क्लिक करिए, यहाँ पे देखिए सबमिट लिखा हुआ, कैंसिल लिखा हुआ है, तो आपको सबमिट करना है, सबमिट करेंगे तो इस तो मैंने इस फॉर्म को नहीं भरा, इसीलिए आगे नहीं भरा बढ़ेगा, ठीक है, इसके बाद आपका ये सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद, ठीक है, चलते हैं हम लोग फिर रजिस्ट्रेशन नंबर वाले पे, देखिए यहाँ लॉगिन करिएगा, ठीक है, लॉगिन को फिर करिएगा, लॉगिंग को जैसे ही जैसे लॉगिंग करिएगा तो ये पेज खुल जाएगा, देखिए पहले पंजीकृत, देखें यानी जो उसने जिस नाम से पंजीकृत किया अपना ईमेल आईडी डालेगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर या ईमेल आईडी जो भी डाल सकते हैं, फिर पासवर्ड इसमें अपना डाल दीजिएगा, जो भी पासवर्ड आपने बनाया होगा, ठीक है, फिर यहाँ कैप्चर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, उस कैप्चर को यहाँ फिल कर दीजिएगा, उसके बाद कुछ करना नहीं है, यहाँ देखिए लॉगिंग लिखा है, जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो वो लॉगिंग हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है, फॉर्म भरने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से आराम से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अगर इस वीडियो आपको पसंद आया है, थोड़ा बहुत भी पसंद आया है, तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, और जो लोग इससे रिलेटेड होंगे प्लीज़ उन लोग को ये वीडियो शेयर कर दीजिए कि जिसके माध्यम से वो भी फॉर्म्स को भर सकें, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।